Welcome to Yadnya Investment Academy and welcome to another episode of Simplifying Saturdays. I hope you have checked out our episode of Wonderful Wednesdays, जहाँ पर हमने बात की थी Avenue Supermarts, यानी कि D-Mart के बारे में. So D-Mart के बारे में एक important चीज़ ये है कि उनका inventory turnover ratio बहुत कम है. Inventory turnover ratio क्या होता है? इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. इस वीडियो की शुरुआत भी हम करेंगे एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इमेज के साथ. आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो इमेज ऑफ डी मार्ट, जहां पर रेवेन्यू को जो है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है. जो रेवेन्यू था इन मार्च 21 दैट वाज 24,000 करोर्स. एंड आप नीचे एक टेबल देख सकते हो जहां पर इन्वेंट्री जो है वो इन करोर्स बताई गई है, दैट इज 2,248 करोर्स इन FY21. सिमिलर ट्रेंड आप बाकी ईयर्स का देख सकते हो. सो यहां से हमें दिख रहा है एक ट्रेंड कि जो रेवेन्यू के कंपैरिजन में इन्वेंट्री है इस कंपनी की, दैट इज समवेयर नियर 10% इन FY21. इन FY20 इट वॉज लेसर. एंड यू कैन एनालाइज सिमिलर ट्रेंड कि इन्वेंट्री जो है इन कंपैरिजन टू सेल्स वो कितनी है. एक और एग्जांपल हम यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर एक और कंपनी है, दिस इज ट्रेंट. सो इनके केस में जो रेवेन्यू है उसके कंपैरिजन में जो इन्वेंट्री है, दैट इज समवेयर अराउंड 20%, 18-20%. सो दीज आर टू कंपनीज दैट दैट ऑपरेट इन समवॉट सिमिलर सेगमेंट. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डीमार्ट के केस में जो इन्वेंट्री है दैट इज जस्ट 10% ऑफ देयर रेवेन्यू, बट ट्रेंट के केस में दैट इज अ मच हायर लेवल. सो इसके रिलेटेड जो चीज होती है जिसका एनालिसिस हम कर सकते हैं, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो डीमार्ट के केस में काफी अच्छा है. तो अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको हम इस वीडियो में जानेंगे. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेनिश्ड इट्स इन्वेंट्री ओवर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम. द फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक टू सेल द इन्वेंट्री ऑन हैंड. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब यह होता है कि एक साल में कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ सेल्स दैट द कंपनी हैज डन, उनकी जो इन्वेंट्री है, जो भी स्टॉक है कंपनी का, वो कितने टाइम्स बिक सकता है, उसका एक मेजर होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैथमेटिकल कैलकुलेशन वेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉक्स जिसको कहते हैं, दैट इज इन्वेंट्री फॉर द सेम पीरियड. सो इसका कैलकुलेशन काफी सिंपल है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इससे एक टाइम्स का नंबर आता है, 3 times, 4 times, 10 times, 15 times. सो इसका मतलब क्या होता है, अ हायर रेशियो टेंड्स टू पॉइंट टू स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड अ लोअर वन टू वीक सेल्स. कॉन्वर्सली अ हायर रेशियो मे इंडिकेट इनसफिशिएंट इन्वेंट्री ऑन हैंड एंड अ लोअर रेशियो कैन इंडिकेट टू मच इन्वेंट्री इन स्टॉक. सो अगर ये रेशियो हाई है, से 20 टाइम्स है, से 30 टाइम्स है, तो इसका मतलब उतने टाइम्स जो स्टॉक है कंपनी का वो रिप्लेनिश हो रहा है. मतलब बिक के नया स्टॉक आ रहा है, फिर वो बिक रहा है, फिर नया स्टॉक बन रहा है, दैट इज हैपनिंग अराउंड 20 टाइम्स पर ईयर. सो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, अगर कंपनी FMCG में है या फिर रिटेल में है, अ हायर रेशियो इज डिजायरेबल. क्योंकि अगर ये स्टॉक जितने बार बिक रहा है उतना उनका टर्नओवर बढ़ रहा है, एंड दैट इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज मैनेजिंग देयर वर्किंग कैपिटल वेरी वेल. अगर आपका कम से कम अमाउंट इज ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री, then that means that you can use that money elsewhere and that can help you become more and more efficient. So, इसका calculation कैसे होता है? हमने already discuss किया है इसका formula, but we'll just try and analyze this even more. कि inventory turnover ratio is basically cost of goods sold divided by average inventory. So, taking into account Avenue Supermarts again, यहाँ पर they had cost of goods sold of around 20,800 crores. In FY21, and the average inventory was 2,098 crores, which is 9.94 times, मतलब आप कह सकते 10 times. So, इस company की जो inventory थी, वो replenish हुई है around 10 times during the year, which is much higher than say trend. So, इससे हमें पता चलता है कि company की जो amount that is getting blocked in inventory, that is comparatively lesser, वो एक fast rate पे जो इन्वेंट्री है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू रेवेन्यूज. इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट रेशियो विच इज वेरी क्लोजली टाइड टू दिस रेशियो इज इन्वेंट्री डेज. इन्वेंट्री डेज का जो मेट्रिक है टू डिराइव इट, इट इज फेयरली सिंपल. सो जब हम इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करते हैं, तब इन्वेंट्री डेज की भी बहुत बार बात होती है. सो डेज इज बेसिकली द नंबर ऑफ डेज
of worth of inventory that is there in the books at one point of time. So agar ye days say 40 hote, then that means that the company has 40 days of inventory on their books at that point of time. जिससे 40 डेज का जो रेवेन्यू है जो सेल्स है वो उस इन्वेंट्री से हो सकता है. दैट इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेंट्री डेज इज. सो इसका कैलकुलेशन काफी सिंपल है. यू जस्ट हैव टू डिवाइड 365, दैट इज द नंबर ऑफ डेज इन द ईयर, एंड यू हैव टू डिवाइड इट बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमने जस्ट कैलकुलेट किया था. सो इन केस ऑफ एवेन्यू सुपरमार्ट्स दिस विल बी 365 डिवाइडेड बाय 9.94 which is 36.72 days. So company ka on an average in FY21, 36 days of sales was there in their inventory. That is what we can infer from this ratio. So inventory turnover ratio zyada hona achha hai, to kya kam hona hamesha bura hai? The answer is no. You have to understand the industry to have an idea of what is a desirable level of inventory days. So agar hum do companies ki baat kare, one is KRBL Limited and one is LT Foods. So the both the companies mainly specialize in basmati rice. Basmati rice ek aisa product hai jo jitna old ho utni uski quality zyada achhi hoti hai, and that will earn them better margins. So agar humne same metric dala to analyze a company सो अगर हमने सेम मेट्रिक डाला टू एनालाइज अ कंपनी लाइक केआरबीएल और एलटी फूड्स, तो हमें कंक्लूजन जो है वो शायद अलग मिले. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट द कंपनी इज सेलिंग. मोस्ट एफएमसीजी कंपनीज जो होते हैं उनके केस में हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज डिजायरेबल बिकॉज उतना फास्ट उनका इन्वेंट्री इज कन्वर्टिंग इनटू रेवेन्यूज. ये सेक्टर में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके नाम ही फास्ट मूविंग है. दैट मीन्स कि इनका इन्वेंट्री जो है वो सेल्स में फास्ट कन्वर्ट होना चाहिए. बट अ लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो माइट नॉट ऑलवेज बी बैड, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू कीप इन माइंड द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज ऑपरेटिंग. सो ऑन दैट नोट वी विल कंक्लूड दिस वीडियो. सो डू चेक आउट स्टॉकोमीटर प्लस. यू कैन यूज द कोड MP30 टू गेट 30% डिस्काउंट ऑन स्टॉकोमीटर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. विल मीट नेक्स्ट वीक विथ अनदर एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग सैटरडेज. थैंक यू.